हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड टेक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये फोटोशॉप का सेकंड पार्ट है, जिसमें टूल के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं कुछ टूल के बारे में बताऊंगा कि फिर यूज कैसे करते हैं, उसके यूज करने के तरीके कैसे हैं। उसके बाद मैं बचे हुए टूल को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और एक बात और, अगर आप फोटोशॉप का पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। अगर आप फोटोशॉप को ओपन करना नहीं जानते हैं तो आप हमारा फोटोशॉप का ट्यूटोरियल पार्ट वन को आप देखें। उसमें मैंने फोटोशॉप ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए बहुत तरीके बताए हैं। यहाँ पर सिंपल से हम यहाँ आइकॉन पर जाके, एडोब के आइकॉन पर जाके यहाँ डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाएगा। तो आज हम इस टूल के बारे में बताएंगे। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसके बारे में बताएंगे, और इसमें मैं आज इस 6 टूल के बारे में बताऊंगा। ये जो 6 टूल है, पहला है, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट आपको रहेगा, पहला है रेक्टेंगुलर टूल है, उसके बाद है मूव टूल है, उसके बाद ये लासो टूल है, फिर मैजिक वन टूल है। ये 6 के बारे में, यहाँ क्रॉप है और यहाँ स्लाइस है। इस 6 के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले है रेक्टेंगुलर, तो उसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक पिक्चर लेते हैं। पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे पिक्चर होगा। देखिए इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। इस पिक्चर, अगर हम किसी पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो उसका डुप्लीकेट कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट है, यहाँ ओके कर लेंगे और ये डुप्लीकेट पिक्चर बन गया। अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं या इसे कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद इमेज साइज पे जाते हैं। इस इमेज का साइज बहुत ज़्यादा है तो हम इसे कम कर लेते हैं। यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट प्रोपोरेशन पर क्लिक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही विड्थ का अगर साइज को कम करेंगे तो हाइट का भी कम हो जाएगा। देखिए अगर बीट काम करते हैं तो हाइट का भी उसी के अनुसार चेंज हो गया। अगर हम इसे अनटिक कर देते हैं कॉन्स्टेंट प्रोपोरेशन का, देखिए यहाँ से साइज को यहाँ से कम करेंगे तो हाइट का कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, उसके बाद इसका साइज आप कम कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसे कंट्रोल ओ करेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा इसमें। उसके बाद एक न्यू पेज लेते हैं, यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में यहाँ देखिए ऊपर फाइल है, फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जो 1280x720 का जो HD TV 720 इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ RGB रहना चाहिए या वाइट रहना चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ से ओके कर देंगे और उसे साइड में कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्कर टूल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस पिक्चर पे आते हैं। देखिए इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर पर चले जाएंगे। इस पिक्चर पर आने के बाद इतना इतना एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मूव टूल का यूज करके उनके द्वारा हम इसे जहाँ चाहें वहाँ पर हम मूव कर सकते हैं। हम इस पेज पे मूव करना चाहते हैं, देखिए यहाँ बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर इस पेज पर हम इसे मूव किए तो यहाँ ऑटोमेटिक एक लेयर आ जाएगा। देखिए आपको इधर यहाँ ध्यान देना, यहाँ बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ लेयर चलाएगा अगर मूव टूल का हम यूज किए तो। देखिए क्या हम इस पे लाते हैं, देखिए ये आपको दिख गया, देखिए यहाँ लेयर आ गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसी से ऑप्शन इसमें है, देखिए जैसे ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल डी से हटा सकते हैं या यहाँ पर सिलेक्शन टूल है ऊपर में, ऊपर में देखिए यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है, इसमें जाइएगा तो यहाँ डी सेलेक्ट पर क्लिक करके इस सिलेक्शन को आप हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें रेक्टेंगुलर टूल में देखिए दूसरा है, ये वाइट रिपोर्ट आता है, दूसरा देखिए ये है, यह एडेड टू सिलेक्शन, अगर इसमें हम और कुछ ऐड कर सकते हैं तो उसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसे देख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, अगर हम चाहते हैं कि इस यहाँ पर दो आर्क सेलेक्ट है
हम चाहते हैं कि सिर्फ एक आँख सिलेक्ट रहे, तो यहाँ पर चलेंगे सब्सट्रैक्ट में, यहाँ क्लिक करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये आँख रहे, तो यहाँ से इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इतना ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये घट जाएगा उसमें। देखिए ये एक ही आँख बचा है। फिर अगर हम यहाँ ऐड पे चलते हैं, ये नेक्स्ट है, इसमें ऐड ऐड टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इसमें जितना ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा, देखिए इस तरह से, और ये देखिए ऐड हो गया। उसके बाद ये तीन समझ लिए, चौथा है, अगर हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन हट जाए, उसके बाद जो हम अभी सेलेक्ट करें वही रहे, तो इस तरह से हम इसके ऊपर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वो जो नीचे वाला सिलेक्ट है वो ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगा, और ये जो अभी सेलेक्ट ये है वो सिलेक्ट हो जाएगा उसी के ऊपर, जितना वो सिलेक्ट था उसी के एरिया में ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये। उसके बाद फीदर के बारे में बताते हैं, यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे चार ऑप्शन के बारे में, फीदर के बारे में बताते हैं आपको कि ये क्या है। पहले इसे इस सिलेक्शन को हटा लेते हैं, डी सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से फीदर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ जीरो है, यहाँ कर लेते हैं तीन, तीन कर लिए, उसके बाद इस एरिया को फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ मूव टू पे जाके और इसे ड्रॉप एंड ड्रैग कर दें। देखिए इस फिगर में और इस फिगर में देखिए थोड़ा चेंज है, साइड में देखिएगा, इसका साइड जो है पूरा प्योर दिख रहा है, जैसा कट के आया वैसा ही दिख रहा है, इसका जो देखिए साइड है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। देखिए अगर नहीं दिख रहा तो एक बार और इसे ट्राई करते हैं, इसका फेदर टेन कर देते हैं, फेदर टेन कर दिए, उसके बाद यहाँ सिलेक्शन को हटा देंगे, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देखिए मूव टूल के द्वारा इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इस शेप को देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ब्लर आ रहा है साइड में, तो आप किसी शेप को कट करके उसे अगर कहीं पे अच्छी तरह से फिक्स करना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप फीदर को बढ़ा करके उसे उस पर काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर टूल का जो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ नॉर्मल रहने देना है। उसके बाद इसमें बहुत और कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, यहाँ देखिए नॉर्मली ये ऐसे रहता है, यहाँ देखिए जी जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ दो कलर है, एक ब्लैक है एक वाइट है, ये जो है ये बैकग्राउंड कलर है, जो ब्लैक वाला है ये फोरग्राउंड है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो वाइट वाला है बैकग्राउंड है, ये ब्लैक वाला फोरग्राउंड है। उसके बाद देखिए यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे, क्या कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करेंगे, देखिए इसमें बैकग्राउंड का कलर फिल हो जाएगा, देखिए बैकग्राउंड का कलर क्या था, वाइट था, तो ये वाइट यहाँ पे फिल हो गया। उसी तरह से अल्ट अल्ट डिलीट प्रेस करेंगे या बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो देखिए ये फोरग्राउंड का यहाँ पे फिल हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है मैं आपको आगे बताता हूँ, इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए दूसरा है एलिप्टिकल टूल, इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इधर देखिए लेयर में आना है, लेयर जो ऑप्शन दिख रहा है ये लेयर, यहाँ आना है, यहाँ पर देखिए न्यू लेयर का एक ऑप्शन है, देखिए क्रिएट ए न्यू लेयर, इसे न्यू लेयर ले लेना है यहाँ पर, एक देखिए क्रिएट ए न्यू लेयर यहाँ दिखा रहा, यहाँ लेयर लेने के बाद उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिए, इसे एडजस्ट करना है एरो की के द्वारा, इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ जाना है बैकग्राउंड कलर में जाके, राइट लेफ्ट क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर चूज कर लेना है कोई सा भी, फिर यहाँ से ओके कर लेना है, उसके कंट्रोल डिलीट करना है,
कंट्रोल डिलीट, देखिए यहाँ कलर फील हो गया। इसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन को हटा देना है, सिलेक्शन को हटा दिए। उसके बाद यहाँ लेयर पे क्लिक है, यहाँ लेयर पे देखिए जो फर्स्ट लेयर है लेयर पे क्लिक करना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए ओपेसिटी है, ओपेसिटी को हम कम करते हैं, देखिए ओपेसिटी को कम कीजिए। देखिए जितना आपको रखना है उसमें आँख में जितना कलर आपको रखना है उतना आप यहाँ से रख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से इस आपको भी सिलेक्ट कर लेना है, न्यू लेयर लेके न्यू लेयर ले लिए, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लिए। इस तरह से करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हटा देना है, उसके बाद इसका भी ओपेसिटी कम कर देना है उसके अनुसार। तो आप इस तरह से देखिए कैसे आई का कलर आप चेंज कर सकते हैं इस एलिप्टिकल मार्कर टूल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल रो मार्कर टूल, इसे क्लिक करते हैं। इसका कोई खास यूज नहीं है, बस लाइन देने के लिए, सिंगल लाइन देने के लिए इसका यूज होता है। देखिए इसे सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल कंट्रोल और डिलीट करेंगे और इस सिलेक्शन टूल को डिलीट करें, बस ये एक लाइन देने के लिए। इसी तरह से इसमें चौथा ऑप्शन है सिंगल कॉलम मार्कर टूल। अब ये कॉलम की तरह अगर हम देना चाहते हैं तो उस तरह से हम इसे इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल और डिलीट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन हटा देंगे और ये नॉर्मली लाइन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस लाइन को कैसे देना है इसके बारे में और आगे पिक्चर बनाना हो किस तरह से लाइन का आप यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से पिक्चर में मैं बताऊँ, यहाँ से उसके बारे में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिखता है यूज करने के बाद। तो ये रहा आपका रेक्टेंगुलर के अंदर जितना भी रेक्टेंगुलर मार्कर टूल के अंदर जितना भी टूल था इसके बारे में आप जान लिए। उसके बाद मूव टूल के बारे में भी जान लिए कि जितना भी सिलेक्ट है उसे हम मूव करने के लिए जो भी लेयर में रहेगा, जैसे लेयर टू इस तरह के रहेगा तो उसे हमें मूव टूल के द्वारा हम उसको ऐसे पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ के बारे में जान गए, तीसरा चीज़ के बारे में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये लासो टूल, कीबोर्ड में एल दबाएंगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड से हम एल प्रेस करते हैं, देखिए सेलेक्ट हो गया। इसका यूज भी सिलेक्शन करने के लिए होता है, जैसे कि हम कुछ इमेज लेते हैं इसे कट कर लेते हैं, एक न्यू इमेज लेते हैं कोई सा, जैसे मान लीजिए इसे ले लेते हैं, इस इमेज को ले लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए एक लासो टूल है, इसका पहले यूज करते हैं। ये क्या है देखिए, इसे हम फ्री फ्रॉम एक बार ऐसे क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद इस तरह से ऐसे करके हम क्लिक करके रखना है, उसके बाद इसे इस तरह से मूव करना है और इसे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। इसका यूज उतना परफेक्ट नहीं होता है, अगर कोई पिक्चर को परफेक्ट तरह से सेलेक्ट करना है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए देखिए यहाँ पेन टूल का यूज, इसके बारे में बताऊँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप में। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और इसे भी आप मूव टूल सिलेक्ट करके इसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसी में इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये पॉलीगोनल, बाद में बताऊंगा, ये मैजिक टूल है। मैजिक टूल में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एक साइड के लेयर को ये क्या करेगा, ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। देखिए अगर दो कलर है उसमें से एक कलर जो भी ये साइड के जो भी लेयर है इसे ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेगा। अगर ये देखिए आगे आ गए तो इसे क्या करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे, देखिए डिलीट प्रेस करेंगे पीछे आ जाएंगे। फिर ये जिस लेयर को सेलेक्ट करना है उस लेयर के करीब रखना है, देखिए ऑटोमेटिक आप ये सेलेक्ट होते जाएगा, देखिए उसी लेयर के करीब रखना है। फिर डिलीट करते हैं, देखिए इस तरह से ये सिलेक्ट हो गया और इसे मूव टूल के
इसे हम ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा परफेक्ट तरीके से ये क्या ये सिलेक्ट हुआ। देखिए सबको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर जो आँख है यहाँ पर जिस लेयर को आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से हाइड कर सकते हैं, जिसको शो करना चाहते हैं शो कर देते हैं। जैसे मैं अभी इसे सेलेक्ट किया हूँ, इसे शो करना चाहता हूँ, देखिए इसके मैं यहाँ पे शो कर लिया। देखिए थोड़ा परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गया। और भी परफेक्ट तरीके से हम कटिंग करना चाहते हैं तो पेन टूल का यूज करेंगे जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये लेयर है, जैसे कि मैंने आपको लेयर के बारे में बताया था कि लेयर बहुत ज़रूरी है फोटोशॉप में, इसके बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए यहाँ लेयर का क्या यूज होता है, अगर हम इसे नीचे जाना है, इस पिक्चर को हमें नीचे ले जाना है, बाकी इस पिक्चर को ऊपर ले जाना है, तो इसे ऐसे पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे ये नीचे चला जाएगा। देखिए अगर आँख वाले जो आँख मेरे आँख दिख रहा है उस पिक्चर को अगर ऊपर लाना है तो यहाँ पर इसे पकड़ेंगे और इसे ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे, ऊपर ले और ऊपर लाना है तो ऊपर ले आएंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए देखिए तो लेयर का यूज, देखिए इस लेयर के द्वारा ही हम फोटोशॉप में अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर इस लेयर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो फोटोशॉप में अच्छा एडिटिंग हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है पॉलीगोनल। इसे क्या है, पेज पर आ जाता है, इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं। पॉलीगोनल सेलेक्ट करने के बाद, पॉलीगोनल लासो टूल सेलेक्ट करने के बाद क्या, इसे नज़दीक में हल्का हल्का क्लिक करते रहना, लेफ्ट क्लिक ऐसे करते रहना, डबल क्लिक नहीं करना है। देखिए हल्का हल्का इसे नज़दीक नज़दीक सेलेक्ट करना, जैसे ही इसमें डबल क्लिक होगा तो ये देखिए किस तरह से हो जाएगा। देखिए डबल क्लिक नहीं होना है, बस इसे नज़दीक नज़दीक वन वन क्लिक करके इसे निकाल देना, इसे आगे बढ़ाते जाना, जहाँ डबल क्लिक होगा देखिए इस तरह से आप गड़बड़ हो जाएगा। तो डबल क्लिक नहीं करना है, वन क्लिक में आपको इस तरह से आप नज़दीक में जा जाके इसे सेलेक्ट करके इस तरह से आप जितना छोटा छोटा क्लिक करेंगे उस तरह से इस तरह से आप सेलेक्ट करके इसे भी ड्रॉप कर सकते हैं उठा कर। तो ये जान लीजिए। उसका तीसरा है मैजिक वन टू। देखिए मैजिक वन टू ये डब्लू से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर जिस कलर पर आप सेलेक्ट करेंगे उसका पूरा कलर वो सेलेक्ट करें। जैसे ब्लैक पे करते हैं, जहाँ जहाँ ब्लैक रहेगा वहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए देखिए इधर अंदर भी ब्लैक है, इसे भी सिलेक्ट कर लिया है, इसे अंडू करते हैं कंट्रोल जेड। उसके बाद देखिए इस पोर्शन पे हम इसे क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह का जितना भी कलर है उतना ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर से अंडू करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह का जितना भी है उस तरह से ये सिलेक्ट कर लिया। अगर कोई भी ऐसा पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड एक है और उस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो इस बांश टूल के द्वारा, इस बांश टूल के द्वारा हम उसे यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और वो पूरा बैकग्राउंड ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ब्लैक जो है यहाँ से ये सिलेक्शन दिखा रहा है और यहाँ से साइड से भी ये सिलेक्शन दिखा रहा है और ये मूव हो जाएगा। कैसे मूव होगा, ये सिलेक्ट है और यहाँ बैकग्राउंड जाना है, यहाँ लेयर पर लेफ्ट साइड में लेयर पर आना है, लेयर पर क्या करना है डबल क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से ओके करना। ये देखिए लॉक था, अभी अनलॉक हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो सिलेक्ट है उसे डिलीट कर देना। देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये बन गया PNG। अभी अगर हम इसे सेव कर दिए तो PNG में सेव हो जाएगा, जो दिख रहा है वही पिक्चर में दिखेगा, बैकग्राउंड हमें नहीं दिखेगा। तो ये वन टूल का यूज था कि आप बैकग्राउंड किसी एक कलर का है तो उसे डायरेक्ट सिलेक्ट करके और उसे डिलीट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। उसके बाद इसे सिलेक्शन को डिलीट करते हैं। उसके बाद क्रॉप है, देखिए ये क्रॉप है, इसका यूज करके हम बताते हैं आपको। नो कर दीजिए, इसे भी कट कर देते हैं, फिर से कोई नया पिक्चर लेते हैं। जैसे इस पिक्चर को लेते हैं, पिक्चर को ले लिए तो एक न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज ले लिए, ओके कर लिए। उसके बाद देखिए इस पिक्चर को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ।
यहाँ से पिक्चर को उठा के हम इस पर कर लेते हैं। अभी देखिए पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा था, पिक्चर बहुत ज़्यादा जहाँ पे हम इसे ड्रॉप किए हैं वहाँ पर चेंज करना है, तो क्या करना, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करेंगे तो जो लेयर है वो सिलेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे उसे पकड़ के नीचे कीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया इसके द्वारा, नहीं तो यहाँ देखिए ये सेलेक्ट हो। कंट्रोल टी करने के बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन होता है, जिसे हम माउस के द्वारा पकड़ के उसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखिए शिफ्ट के साथ से पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसे डिलीट करते हैं। देखिए इस लेयर को डिलीट करते हैं। उसके बाद ये जो इमेज है, इस इमेज का जो है साइज है, इमेज साइज देखिए इसे कम कर लेना है। इमेज साइज का को कम कर लिया है, उसके बाद देखिए इसे देखिए ऐसे मूव करके यहाँ पे ड्रॉप कर दे। अब देखिए ये साइज छोटा आ गया। अब इसे हम कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करके इसे हम छोटा कर सकते हैं, पकड़ के इसे छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे छोटा कर सकते हैं। देखिए अब आपको पता चल गया ट्रांसफॉर्म का यूज कैसे करते हैं, कैसे करना है, कंट्रोल टी से करना है, नहीं तो यहाँ देखिए सिलेक्शन टूल पे है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल दिख रहा है, इसमें जाना है, यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, तो कंट्रोल टी करना है। अब देखिए ये इतना पेज है। अब हम चाहते हैं कि इतना ही पूरे पेज पर, देखिए जो पिक्चर है इतना पिक्चर ही पूरे पेज पर दिखना चाहिए, तो अब हम क्रॉप टूल का यूज करते हैं। क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ से इस पिक्चर का सेलेक्ट कर लिए, इस तरह से। उसके बाद इधर ज़्यादा लग रहा है, इधर देखिए ऐसे करके हम कम ज़्यादा कर लेते हैं, इस तरह से हम इसे देखिए पकड़ के थोड़ा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, देखिए पूरा पेज पे ये पिक्चर आ गया। इस तरह से हम क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने का दूसरा और तरीका है, देखिए क्रॉप करने का दूसरा तरीका है, यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कुछ विड्थ हाइट डाल लेते हैं, वन यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रॉप करते हैं इसे, क्या ये स्क्वायर में होगा, देखिए ये स्क्वायर में, उसमें क्या था कि हम किसी तरह से हम इसे छोटा या बड़ा, इसमें देखिए स्क्वायर सिलेक्शन हो रहा है, और इसे छोड़ने के बाद देखिए इसमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है बढ़ाने या घटाने का, उसमें क्या ऑप्शन आ रहा था इस साइड में बढ़ाने या घटाने का, इसमें सिर्फ कॉर्नर में आ रहा है स्क्वायर सिलेक्शन के लिए। और इसे हम इंटर करेंगे, ये देखिए पूरा पेज पर ये क्रॉप होके आ गया, उतना पिक्चर ही। तो आप समझ गए होंगे कि क्रॉप का यूज किस तरह से किया जाता है फोटोशॉप। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके बाद छठा टूल है स्लाइस टूल। इस टूल का नॉर्मली यूज होता है HTML इमेज बनाने के लिए, तो इसका यूज इमेज के अंदर इमेज को सेव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे वेब पेज पे कि वो पिक्चर आता है, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक और पिक्चर ओपन हो जाता है, तो उसी तरह से स्लाइस टूल का यूज किया जाता है। सबसे पहले इसे हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद एक पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर ले लिए, डुप्लीकेट कर लिए इसे, उसके बाद जो ओरिजिनल था उसे हम कट कर दिए। इसकी इमेज साइज जो है ना सही है। उसके बाद देखिए स्लाइस टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस इमेज को इतना सेलेक्ट कर लिए,
इसे इतना अलग से सिलेक्ट कर लिए और फिर ये गर्ल्स वाले पिक्चर को इधर अलग से सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद इसे सेव करके देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसे सेव कर लेते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ये HTML में आ गया, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। कुछ नाम डाल देते हैं, इसमें नाम डाल दिए, इसको सेव कर दिए। उसके बाद इसे देखिए ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद ये पिक्चर ओपन हो गया है। उसके बाद इस पर देखिए, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इस पिक्चर पे, देखिए कोई न्यू टैब खुल नहीं रहा है या न्यू पिक्चर नहीं खुल रहा है। उसके बाद बैक चलते हैं, उसके बाद देखिए क्या करना है कि इस पर एक पिक्चर को सेव करना और इस पर एक पिक्चर को सेव करना, तो कैसे करना इसके लिए देखिए जाइए। जैसे हमें ये पिक्चर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी में जाएंगे और ये जो ऑब्जेक्ट का नेम है इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी के साथ उसके बाद पिक्चर में जाएंगे और इस पर जाएंगे, जो लड़का का फोटो है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एडिट स्लाइस ऑप्शन है, इसमें URL है, URL पे जाके इसे हम पेस्ट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, ये ओके। उसके बाद फिर सेकंड इमेज ले लेंगे, ये देखिए ऊपर में एक इमेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसका सिक्योरिटी इसका भी पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जाते हैं, फिर ये गर्ल्स वाले पिक्चर पे इसे उसी तरह से पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ फाइल में जाके वेब सेव फॉर वेब में जाके इसे सेव करेंगे, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, इसे बिपिन दे देते हैं मैं अपना नाम। अब उसे ओपन करते हैं, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या। देखिए इसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए, देखिए जैसे बॉय वाले पे क्लिक किए तो एक न्यू टैब ओपन हो गया। उसके बाद गर्ल्स वाले पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक न्यू टैब ओपन हो रहा है, मतलब कि वो जो पिक्चर हम सेव किए वो ओपन हो रहा है, लेकिन हमारे जो लैपटॉप है उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर करेंगे तो हो सकता है सपोर्ट करे, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही पिक्चर पर क्लिक करके दिखा दिया था कि कोई टैब नहीं खुल रहा है। अब जब हम पिक्चर के URL इस पिक्चर पे पेस्ट किए हैं, सेव किए हैं, तो देखिए अलग अलग टैब खुल रहा है दोनों पिक्चर पे क्लिक करने पर। तो बस यही खासियत है स्लाइस टूल का। यहाँ से कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या है। देखिए इस स्लाइस टूल के अंदर एक ऑप्शन और है, ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है। जैसे हम इसे, जैसे अभी इस स्लाइस पे हैं, इस पे आना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ये सेलेक्ट हो गया। इसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए आप दिख रहा हो, इसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए इसमें आ गया। ऊपर से हम इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइस टूल का यूज किस लिए किया जाता है। अगर आपको ये 6 टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ा था तो अगर इसे